कृष्ण जन्माष्टमी में मैं बना रही हूँ मेवा पाक। ये कान्हा जी को बहुत ही पसंद है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मेवा पाक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये नारियल, सूखा नारियल जिसे गढ़ी भी बोलते हैं और खोपड़ा भी शायद बोलते हैं, तो इसे मैं घिस ले रही हूँ। ये देखिए पहले ही से मैंने घिसना शुरू कर दिया था और ये घिस चुका है, तो इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। और अब एक मोटे तले वाली कढ़ाई लूँगी और गैस ऑन करके इसे रख दूँगी। और अब जितने भी मेवा है ना उसे ना फ्राई करना है हल्का सा घी डालकर। तो ये शुद्ध देसी घी मैं घर पे ही मैंने तैयार किया था और उसी से मैं ये पाक बनाऊँगी। तो 2 चम्मच के करीब मैंने ये, मेरे चम्मच जो हैं वो छोटे वाले हैं, तो इससे मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है घी। और इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है, कितने भी चाहे आप ले सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी के करीब काजू और बादाम लिया है और इसे मैं भून लूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए और ये देखिए ये अच्छे से भून गया है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, निकाल लूँगी एक प्लेट में। और फिर इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब मैं फिर से घी डाल दूँगी और ये जो मखाने हैं वो मैं इसमें भून लूँगी। ये भी मैंने अंदाजे से ही लिया है और ये देखिए क्रिस्प हो गया है। बस इस पोजीशन में जब आ जाए तो इसे भी मैं एक साइड में निकाल लूँगी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाला है 1 चम्मच के करीब और फिर इसमें मैं किशमिश को फ्राई कर लूँगी। किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। बस ये फूल गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और फिर मैंने 2 चम्मच के करीब, 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है और इसमें अब मैं गोंद, ये है, और गोंद को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। गोंद को अच्छे से फूल जाना चाहिए, नहीं तो ये दांत में चिपक जाती है। और ये देखिए ये अच्छे से फूल गई है, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप ज़रूर डालें अगर है तो। तो ये देखिए मैं निकाल ले रही हूँ इसे, थोड़ा सा और मैं गोंद भून लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं, तो मैंने निकाल लिया है। और इसी कढ़ाई में मैं अब घी डालकर ये कढ़ी जो है ये मैं भून लूँगी। अच्छे से भून लेना है इसे और इसे भी भून कर मैं एक दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से सारे जो मेवे हैं वो मैंने भून लिया है, फ्राई कर लिया है और सबको अलग अलग रख दिया है। और अब इसे एक साइड रख कर अब मैं ये गुड़ लूँगी और गुड़ को अच्छे से मैं काट लूँगी। छोटे छोटे पीसों में मैं काट ले रही हूँ ताकि ये आसानी से और जल्दी गल जाए। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, कोई मेज़रमेंट मैंने नहीं किया है अभी, ये मैं ऐसे ही पहले मैं काट ले रही हूँ। और काट के मैंने अलग रख दिया और तब तक ये जो फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स हैं ये ठंडे हो गए हैं और इन्हें अब मैं ग्राइंडर जार में दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा ही करना है, बारीक एकदम बिल्कुल ही नहीं करना है, दरदरा करना है। और ये देखिए ये जो है ये मैंने पीस लिया है, देखिए ये दरदरा ही है। तो इसी तरह से मैं मखाने भी ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये देखिए ये सारे मखाने मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी मैं पीस लूँगी। किशमिश को अलग ही रखना है, किशमिश नहीं पीसना है। और ये देखिए मखाने भी मेरे पीस गए हैं, इसे भी मैं उसी थाली में रख दे रही हूँ। और इसी के साथ ये है गोंद है,
तो गोंद को मैं खलबट्टे के जो ऊपर वाला जो ये है ना, इसी से मैं कूट लूँगी। इसे मैं पीसूँगी नहीं, ये बहुत बारीक हो जाते हैं, थोड़े से दरदरे रहते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे मैं इसी तरह से खलबट्टे से कूट ले रही हूँ। और ये देखिए, ये अच्छे से मैंने कूट लिया है इसे, और इसे भी मैं उसी प्लेट में मिला दूँगी जिसमें सारे मेवे हैं। ये देखिए, मैं मिला दे रही हूँ, एक तो बच गया है तो उसे मैं हाथों से मैश कर दे रही हूँ। और ये किशमिश को भी मैं डाल दे रही हूँ, थोड़े से ये खरबूजे के बीज हैं, मेलन सीड्स, वो मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और भुने हुए नारियल को भी मैं डाल दूँगी, जिसे खोपड़ा भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको एक साथ करके मिक्स कर लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से, और अब इसे मैं एक कप से नाप ले रही हूँ। आप कटोरी हो चाहे जो भी एक कोई एक चीज़ हो उससे नाप लें। ये 2 कप मैंने उसमें डाला है, और ये हो गया 3 के करीब, और 4, 4.5 के करीब मेरा ये मिक्सचर है, मेवे का मिक्सचर। ठीक है, और उसी के अनुसार ये मैं गुड़ लूँगी। गुड़ भी उसी कप से मैंने लिया है, 1 कप के करीब, और ये हो गया 2 कप, और बाकी का ये 2.5 कप, पूरे में 2.5 कप गुड़ डाल रही हूँ। इतने में तो बहुत ही अच्छे से मीठा हो जाएगा। और मैं गैस ऑन करके ये कढ़ाई रख दिया है मैंने, और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब घी डालूँगी, और ये है पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी बोलते हैं, और इसे अच्छे से भून लेना है। इस पोस्ते दाने को पोस्ता दाना भी इसे बोलते हैं, शायद बंगाल में बोलते हैं। और भूनने के बाद अब इसमें जो गुड़ था वो मैंने डाल दिया है इसमें, और इसे मेल्ट होने देना है। बस कोई तार बार की चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ मेल्ट हो जाना है, गल जाना है गुड़ को। और इसे 7 से 8 मैंने हरी इलायची मैंने लिया था, और इसे मैं कूट ले रही हूँ इमाम दस्ते में। और ये देखिए मैंने कूट लिया है, और उसी गुड़ में ये मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। और ये देखिए, बस अच्छे से इसे चलाना है, और धीरे धीरे ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से हो गया है ना। और अब क्या करना है कि इसी में ये डाल देना है मिक्सचर को, जो भी ग्राइंड किया गया था ना, वो सारे मिक्सचर इसमें मैं डाल दूंगी। एक ही बार में मैंने डाल दिया है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा डालिएगा मिक्स कीजिएगा, फिर थोड़ा सा डालिएगा मिक्स कीजिएगा, इस टाइप से। मैंने तो हड़बड़े में मैंने डाल दिया सारा एक ही बार, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल देना है, 2 से 3 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच से, ताकि ये जो है खाने में सॉफ्ट हों, और बनने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सभी को, और इधर मैं एक प्लेट में मैं घी थोड़ा सा लगा दे रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। फिर उसके बाद इस मिक्सचर को इस प्लेट में डाल देना है, और अच्छे से ऐसे दबाते जाना है, सेट करते जाना है। ये थोड़ा सा जल्दी वाला प्रोसेस है, ठीक है, नहीं तो ये क्या सूखने के बाद ये ना नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी वाला प्रोसेस है, इसे जल्दी ही करें सावधानी से। ये देखिए मैंने इसे जल्दी से ऐसे डालकर इसे अच्छे से स्पैचुला से इसे मैं सेट कर दे रही हूँ, ये देखिए। और इसी से मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे नारियल या फिर काजू या फिर बादाम या पिस्ता, जो भी आप सजाना चाहते हो, ऊपर से इसी से मैं तुरंत डाल दें, नहीं तो सूखने के बाद ये फिर उस पर चिपकेंगे नहीं। और बाकी का बचा हुआ जो मिक्सचर है वो मैं इस प्लेट में डाल दे रही हूँ, डालकर सेट कर दे रही हूँ मैं इसमें।
और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालें हल्का सा फ्राई करके नहीं डालें, तभी वो अच्छा लगेगा। और ये देखिए नाइफ से मैंने इसे कट कर दिया है। अभी गरम में ही थोड़ा सा कर लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा बाद में। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है, जिस तरह से शेप में, ज़्यादातर स्क्वायर शेप में ही ये कटते हैं, तो मैंने स्क्वायर शेप में ही काट लिया है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं इसे एक पीस निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हैं, तुरंत ही ये टूट जाते हैं, ये देख, और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये मिठाई है, कान्हा जी तो बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ज़रूर बनाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।